हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड सब्जेक्ट जीके, टॉपिक अपना फेरी टेल्स। फेरी टेल्स कहते बेटा परियों की कहानी जो होती है। रीड द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फेरी टेल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बुक्स। बेटा ये कुछ इन्होंने स्टेटमेंट्स दी है और इन्होंने कुछ चित्र से बनाई है, फ़ोटो से बनाई है, और इसके अलावा उन्होंने हेल्प बुक्स भी दिया है जिनको आपने पढ़कर गैस करना है कि कौन सी फेरी टेल के बारे में बात कर रही है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल टर्न इंटू ब्यूटिफुल प्रिंसेस विद द हेल्प ऑफ ए फेरी। इस कहानी के अंदर क्या होता है, एक लड़की होती है साधारण सी, वो क्या है एक ब्यूटीफुल प्रिंस के रूप में, एक सुंदर सी राजकुमारी के रूप में बदल जाती है। किसकी हेल्प से? फेरी के हेल्प से, फेरी के परी की हेल्प से। मतलब परी जादू करती है और वो लड़की क्या सिंपल सी, और वो परी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका कहानी का नाम है सिंड्रेला। नेक्स्ट है, ए वोल्फ डिस्ग्यूज्ड सेल्फ एज ग्रैंड मदर टू ईट ए लिटिल गर्ल। इसके अंदर इस कहानी में क्या होता है बेटा, एक भेड़िया होता है जो एक छोटी सी लड़की को खाने के लिए उसकी दादी का रूप बना लेता है। तो ये देखो कहानी भी दे रखी है, और हिंट बॉक्स को देखते हैं तो हमारे पास एक टेल आ जाती है, लिटिल रेड राइडिंग हुड। नेक्स्ट है बेटा, देयर वर 40 थीव्स। इस कहानी के अंदर क्या होते हैं, 40 चोर होते हैं, और ये देखो कुछ दे भी रखा है। तो अपनी इस कहानी का नाम है अली बाबा एंड द 40 थीव्स, अली बाबा और 40 चोर। ए फादर हैड टू सेंड हर डॉटर टू लिव विद बेस्ट टू फुलफिल हिज प्रोमिस। इस कहानी में क्या होता है, एक जो पिता होता है वो अपनी ही बेटी को किसी जानवर के साथ रहने के लिए भेज देता है ताकि उसका जो प्रोमिस है वो पूरा हो सके। तो इस कहानी का नेम है बेटा ब्यूटी एंड द बीस्ट। ए प्रिंस क्लाइम्ड अप ए गर्ल यूजिंग हर हेयर एज ए लैडर। इस कहानी में क्या होता है बेटा, एक जो प्रिंस एक राजकुमार होता है वो एक लड़की के बाल यूज़ करता है सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ने के लिए। तो इस कहानी का नाम है रैपंज़ल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच।